नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हुई है। रोड को समतल करने का काम तेज से किया जा रहा है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लगभग 54 मीटर रेट होल माइनिंग का काम भी हुआ है। 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने के लिए कहा गया है। मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। मजदूरों के परिजनों से अफसरों ने बात की है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने के लिए कहा गया है। तो थोड़ी देर में बड़ी खबर आ सकती है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्य में तेजी लाई गई है। जल्द टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। सिलक्यारा टनल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां हलचल तेज होती अब नजर आ रही है। तो मजदूरों के लिए कपड़े तैयार करने के लिए कहा गया है। रोड को समतल करने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिलक्यारा टनल का ये काम तेजी से अब हो रहा है। तो 4 से 5 मीटर So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going's quite easy. I'm expecting to see some results by 5 o'clock. So how many meters left? About 2 to 3 meters. Two to three meters. Yes. How much time it will take, according to you, sir? About 5 o'clock, we should see. और संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ अपडेट अब सामने आ रही है? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो सफलता है वो लगातार मिल रही है, और उसी की वजह से अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब मजदूर जहां पर फंसे हुए हैं टनल में, वहां तक हम सब पहुंच पाएंगे और उनको बाहर लेकर भी आ पाएंगे। क्योंकि कई दिनों से, करीब करीब 17 दिन का वक्त हो चुका है उस घटना को हुए, जब भूस्खलन हुआ और उसके बाद टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। तो इतने लंबे वक्त बाद अब ये वो समय आया है, वो लम्हा आया है जब हम पहुंच पाएंगे उन मजदूरों तक, और उसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो सारी पूरी कर ली गई हैं। आपको बताएं कि चिलसियारी गौड़ में एक जो अस्पताल है वो भी तैयार कर लिया गया है, जहाँ पर 41 बेड स्पेशली इन मजदूरों के लिए रेडी किए गए हैं। वहां पर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इसके अलावा जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि जब मजदूरों को यहाँ से निकाला जाएगा उसके बाद उनको यहाँ से जो एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर मौजूद 41, उनके जरिए उनको एक एक करके पहुंचाया जाएगा वहीं चिलसियारी सोड़, और वहां पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा, क्योंकि जो नियरेस्ट हायर मेडिकल सेंटर है वो वहीं पर मौजूद है और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जहां पर टनल है, टनल के बाहर जो पूरा कैंपस है इस प्रोजेक्ट का, वहां भी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको रेडी रखा गया है। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक्सेसरीज हो सकती हैं वो सब मौजूद हैं। इसके अलावा जो बाहर जो चाक चौबंद व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, वो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। किस तरीके से जब मजदूर बाहर आएंगे उसको लेकर कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा और कोई अनाधिकृत प्रवेश वहां ना हो, जिससे किसी भी तरह का अगर व्यवधान होता है तो उससे भी निपटने के लिए जो यहाँ सुरक्षा वाले हैं, जो पुलिस है, जो सुरक्षा वाले हैं, उनको ये कहा गया है। और जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट मानी जानी चाहिए, और बड़ी खुशी का लम्हा है, खास करके जो परिजन हैं उनके चेहरे जो हैं वो बड़ी उम्मीदों की आस लिए हुए अब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ टनल से निकलकर बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे का आत्मविश्वास भी देखने लायक है। वाकई में अब ये दिख रहा है कि रेस्क्यू जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और बहुत जल्दी रेस्क्यू खत्म होगा और मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। जी नरेंद्र, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इंजीनियर्स और अफसर लगे हुए हैं, उनका अभी तक क्या कुछ कहना है और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ऑफिशियली तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर है कि जब वो निकल कर बाहर आते हैं उनसे पूछते हैं कि सर क्या स्थिति है, कितना समय लगेगा, तो वो बस यही कहते हैं मुस्कुरा के कि बहुत जल्दी हम उन तक पहुंच जाएंगे और मजदूरों को बाहर निकाल कर लाएंगे। तो इतनी जो बात वहां से निकल कर आ रही है ये बहुत दिल को राहत देने वाली है, और खास करके 17 दिन हो गए उस अंधेरी सुरंग में उन मजदूरों को फंसे हुए, और उनका जो हौसला है
वो कभी कभी टूटता हुआ सा दिखता था, कभी वो जो लोग हैं वो खुद टूटते हुए से इसलिए दिख रहे थे कि 9 दिन बाद तो उनको जो भोजन है वो मिल पाया था। तो ऐसे में अगर वो निकलकर बाहर आते हैं तो बिल्कुल वो बहादुर हैं और हौसला उनका जो है वो हाई होगा। इसी तरीके से जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका भी हौसला बहुत जबरदस्त है और वो जिस तरीके से बड़े मनोयोग से इस पूरे रेस्क्यू में लगे हुए थे, वो रेस्क्यू आज जब खत्म होगा तो उनके हाथ में एक विजय पताका जैसी होगी और उनके मन में एक ये विश्वास होगा कि हाँ उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को जिसकी चौड़ाई कम से कम 70 मीटर के आसपास है उस पहाड़ को चीर कर और वहां से 41 मजदूरों को बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ी बात होगी, पूरा देश पूरी दुनिया इस रेस्क्यू अभियान की तरफ देख रही है और यहाँ पर जो देसी विदेशी एक्सपर्ट हैं टनलिंग के वो यहाँ लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ पर इस रेस्क्यू को देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर अपने सुझाव और सलाहें जो हैं वो लगातार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारत सरकार के लिए, उत्तराखंड की सरकार के लिए और उन सब अथॉरिटीज के लिए जो यहाँ पर इस रेस्क्यू के काम में कई दिनों से लगे हुए हैं। जी नरेंद्र, जो श्रमिकों के परिजन हैं जैसा कि अभी आपने बताया कि वो अब खुश नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, उनको उम्मीद थी कि इस घटना के 5-7 दिन में उनको निकाल लिया जाएगा जितने भी मजदूर यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे जैसे हर्डल्स जो है वो पाइप पुशिंग के काम में आते रहे, अमेरिकन ओगर कभी चली कभी रुकी, कभी चली कभी रुकी और फिर एक जगह आकर ऐसी रुकी कि वो फिर आगे। साथ में हैं MD महमूद सर, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार, DG इंफॉर्मेशन हमारे। जैसा आज का अपडेट ये है कि जो ओगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था, उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था वो दोनों मिला करके अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो आप लोगों को 5 मिनट वेट भी करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए था कि लास्ट पुश अभी चल रहा था, 1.5 मीटर अभी पुश हुआ है। तो अभी जो हमारा स्टेटस है हम 55.3 मीटर पुश हो चुका है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें, तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर हो सकता है 5 मीटर हो, एग्जैक्ट देर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि बाई इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन वी आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। थैंक यू। और अभी सर चाहेंगे कि बाकी उनके बारे में मैं बताता हूँ, वही एक सवाल होगा आज और कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। तो पहले मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हमारा SJVNL कर रहा है वो हमारा 44 मीटर्स हो गया है आउट ऑफ 86 मीटर्स। ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया है, हर प्रोसेस में हर ऑप्शन में काम चल रहा है लगातार, और THDC ने भी आज 7th ब्लास्ट किया है तो उसका भी और अनदर 1.5 मीटर्स हमें मिला है, तो काम चल रहे हैं। हमने अभी अपने कोई भी जो वेरियस ऑप्शन है उसको बंद नहीं किया है। और जहाँ तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थ्रू द डेब्री की बात हो रही है जो कि हम टनल के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको बताया उन्होंने कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं, मैनुअल एक्सकवेशन होता है फिर डी मकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है, नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है, ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा, बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा,
अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले, और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। कल के लिए वापसी गाड़ी बुक कर लें? वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। समझा देते, जब पाइप पुश हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आप लोगों को अभी सर ने बताया कि जो हमारा पाइप इतना जा चुका है, उसके बाद में प्रोबेबली एक पाइप और वेल्ड होना है, तो वेल्डिंग में भी टाइम लगता है, पुशिंग में भी टाइम लगता है, डीमकिंग में भी टाइम लगता है। सो दीज 3-4 प्रोसेस आर देयर। तो उसके बाद में संभावना ये है कि जैसे लेट इवनिंग तक हमारा हो जाएगा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो NDRF और SDRF, जो हमारे स्टेट की टीम है SDRF की और नेशनल की NDRF की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ NDRF के, उसमें कर रहे हैं। तो वो अपने एक्सपर्ट्स का प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं कि पाइप में कैसे जाएंगे, कैसे ट्रॉली से वापस लेकर के आएंगे। तो दे हैड डन गुड एक्सरसाइजेस, दे हैड डन कंप्लीट प्लानिंग कि जब वो जैसे भी कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर उन लोगों को किस प्रकार से वन बाय वन निकाला जाएगा। दैट माइट टेक टाइम, इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम, तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल जो काम करने वाली टीम है उनके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी एक्सीजेंसी प्लान तैयार है। जैसे अगर होता है तो दिस टीम इज कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि किसी भी डिजास्टर में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कांट बी सेड कि नाउ इट इज ओवर, लाइक दिस थिंग इज ओवर। जब तक वो सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक टीम हर संभावना, हर किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार, NDRF और SDRF की टीम अंदर जाने के बावजूद भी रहेगी।